हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। वेलकम टू द चैनल सिंपल ब्यूटी सीक्रेट्स। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा जवान, सुंदर और फेयर दिखे, और इस चक्कर में हम अपनी स्किन पर बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी स्किन को डैमेज कर देता है और हमारी स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स, एक्नी और डार्क स्पॉट बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या करें कि हमारी स्किन हद से ज़्यादा फेयर और जवान दिखे और स्किन पर एक्नी, पिंपल्स, दाग धब्बे और डार्क स्पॉट जैसे मसले भी ना हों। तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रही हूँ, ये अगर आप महीने में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लेंगी तो आपकी सारी दोस्तें पूछेंगी कि तुम अपनी स्किन पर क्या इस्तेमाल कर रही हो। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें राइस पाउडर यानी कि चावल का आटा डालें। क्या आप जानते हैं कि कोरियन लोग रोजाना चावल का आटा एज अ मास्क अपनी त्वचा पर अप्लाई करते हैं ताकि उनकी त्वचा फ्रेश और गोरी दिखे। चावल का आटा हमारे चेहरे से डार्क स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स को भी ख़त्म करता है। नेक्स्ट, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, मतलब सूखा दूध। ड्राई मिल्क पाउडर हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है और चेहरे से एक्ने और पिंपल्स के निशानात का भी खात्मा करता है। मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बहुत ही ख़ास है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच फिटकरी पाउडर। फिटकरी पाउडर एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बेबी ऑयल। बेबी ऑयल हमारी स्किन को हद से ज़्यादा नरम, मुलायम और चमकदार बनाता है। ये इंग्रेडिएंट आपके चेहरे पर एक ऐसा ग्लो लेकर आएगा जो आपको दुनिया की किसी भी और चीज़ से नहीं मिलेगा। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें जब तक आपका पेस्ट थिक नहीं हो जाता। इस पेस्ट की फाइनल कंसिस्टेंसी अब आपके सामने है। हाँ, मगर आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अब आप एक टमाटर लें और उसे बीच से काट लें और इसे अच्छे तरीके से इस मिक्सचर में डिप करें। जब आपका मिक्सचर अच्छे से टमाटर स्लाइस पर लग जाए तो आप उस टमाटर स्लाइस को अपने चेहरे पर आहिस्ता से रब करना शुरू करें। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट या काले धब्बे हैं तो टमाटर की स्लाइस को उस जगह पर गोल गोल घुमाएं, यानी कि सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से रब करें। टमाटर स्लाइस को अपने चेहरे पर इस तरह रब करने से आपके चेहरे के तमाम दाग धब्बे और गंदगी साफ हो जाएगी और आपकी रंगत दूध जैसी फेयर दिखे। टमाटर एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी है, ये आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच देगा और आपको इसके रिजल्ट्स फौरन नजर आएंगे। मैं अब आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल हाथों पर भी करके दिखाती हूँ। आप बिल्कुल उसी तरह आधे टमाटर को इस मिक्सचर में डिप करें और अपने हाथों पर रब करना शुरू करें। आपने इसे भी 2 से 3 मिनट ही रब करना है। 2 मिनट रब करने के बाद आप अपने हाथ और चेहरे को अच्छे से धो लें। इस मिक्सचर को वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। जैसा रिजल्ट आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है, आपको भी सेम इस रेमेडी को यूज करने के बाद वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने इस रेमेडी को हमेशा यूज़ के लिए न्यू ही बनाना है, आप इसे स्टोर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं निशा आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।